हिंदी भाषा व व्याकरण का सामान्य परिचय। भाषा भाष धातु से बना है। मूल भाषा संस्कृत में क्रिया को धातु कहा जाता है, अर्थात हम धातु शब्द से अभिप्राय लगा सकते हैं कि धातु क्या है, क्रिया है। भाष का शाब्दिक अर्थ विचार प्रकट करना, अर्थात मनुष्य के मन की आध्वन्यात्मक इकाई होती है विचार। भाषा एक ऐसा माध्यम या साधन है जिसके द्वारा एक व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह दूसरे व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह तक अपने विचार पहुंचाता है या विचारों का लेन देन करता है या विचारों का आदान प्रदान करता है या विचार विनिमय करता है या विचार विमर्श करता है। बात करते हैं भाषा की विशेषताओं की, तो भाषा अर्जित संपत्ति है। बोलने की योग्यता जन्मजात होती है, किंतु क्या बोलना है, कब बोलना है, इसकी जानकारी हमें व्याकरण से मिलती है। एक बालक भाषा को अनुकरण द्वारा सीख सकता है या सीखता है, उच्चारण द्वारा सीखता है और लेखन द्वारा सीखता है। भाषा एक सामाजिक प्रक्रिया है, अंतिम स्वरूप नहीं होता है भाषा का, अर्थात भाषा कैसा है, परिवर्तनशील है, मानक स्वरूप होता है। हर एक भाषा का एक मानक स्वरूप होता है। भाषा एक भाषा की हर एक भाषा की एक निश्चित व्याकरण होती है। भाषा का स्वरूप कठिन से सरल की तरफ होता है, कठिन से सरल की तरफ होता है। भाषा को सीखने के लिए मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण। भाषा को किसी भी भाषा को सीखने के लिए आपकी जिज्ञासा होनी चाहिए, अर्थात जानने की इच्छा होनी चाहिए। अनुकरण द्वारा हम भाषा सीख सकते हैं, अभ्यास द्वारा भाषा सीख सकते हैं। जैसा कि कबीरदास ने अपने दोहों में कहा है, करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। ठीक है, जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु कहलाता है। किसी भी चीज़ को सीखने के लिए तत्परता जरूरी है, तो भाषा को भी सीखने के लिए तत्परता जरूरी है। बिना तत्परता के आप भाषा को नहीं सीख सकते हैं। मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक के अनुसार घोड़े को पानी तक ले जा तो सकते हैं, पिला नहीं सकते हैं। कब तक? जब तक वह स्वयं ना चाहे। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध मित्रता में उन्होंने जिक्र किया है कि व्यक्ति बुरे गुणों या प्रवृत्तियों को बहुत जल्दी सीख पाता है, क्योंकि उसके प्रति हमारा मन व मस्तिष्क ज़्यादा संवेदनशील होता है। इसलिए किसी भी चीज़ को अस्थायित्व में लाने के लिए अभ्यास जरूरी है। अभ्यास का नियम थॉर्नडाइक महोदय द्वारा भी दिया गया है। अब बात करते हैं एक व्यक्ति में भाषा का विकास किस क्रम में होता है या होना चाहिए। भाषा का विकास क्रम, सुनना, सुन के बोलना, बोल के पढ़ना और पढ़ के लिखना। यानी सुनने की योग्यता कैसी होती है? जन्मजात होती है। सुनने के बाद बालक बोलना सीखता है, ठीक है, बोलने के बाद पढ़ना सीखता है और पढ़ने के बाद लिखना सीखता है। सुबोपली, इस शॉर्ट ट्रिक के द्वारा हम याद कर सकते हैं भाषा का विकास क्रम। सु मतलब सुनना, बो मतलब बोलना, पा मतलब पढ़ना, ली मतलब लिखना, यहाँ पे इसका मतलब यह है, ठीक है। और संस्कृत की बात करें, स्रोपले यानी श्रवण यानी सुनना, वा मतलब वादन बोलना, पा मतलब पठन पढ़ना, ले मतलब लेखन लिखना। इंग्लिश की बात करें, LFRW इन इंग्लिश, LFRW लिसन स्पीक रीड राइट। बात करें अगर मारिया मॉन्टेसरी के अनुसार विकास क्रम भाषा का पूछा जाए आपसे, तो लास्ट दो को आप इंटरचेंज कर दीजिएगा। यानी पहले हम पढ़ के लिखते थे, लेकिन मारिया मॉन्टेसरी कैसे क्या करती हैं, लिख के पढ़ती हैं, ठीक है। यानी सुनना, बोलना, लिखना, देन पढ़ना। अब भाषा के प्रकार की बात करते हैं, तो भाषा तीन प्रकार की होती है, मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। मौखिक भाषा मतलब बोलकर विचार प्रकट करना या सुनकर विचारों को ग्रहण करना। लिखित भाषा लिखकर और पढ़कर, ठीक है। लिखित भाषा में लिखना पढ़ना आ गया, मौखिक भाषा में बोलना सुनना आ गया, सांकेतिक भाषा में संकेत या इशारा, ठीक है। जैसे आप ट्रैफिक में सिग्नल देखते होंगे, ठीक है। उदाहरण की बात करें, रेडियो से समाचार सुनना,
ठीक है, तो ये मौखिक भाषा में आएगा। एक नेता द्वारा सभा को संबोधित किया जाना मौखिक भाषा के अंतर्गत आएगा। प्रत्यक्ष साक्षात्कार फोन पर बात करना, ठीक है। दो व्यक्ति प्रत्यक्ष बैठकर विचारों का आदान प्रदान कर रहे हैं तो ये कौन सा भाषा होगा? मौखिक भाषा। पत्र पत्रिकाएं, पाठ्य पुस्तकें, समाचार पत्र, ठीक है, ये सब क्या है? ये सब लिखित भाषा के उदाहरण हैं। पत्र पत्रिकाएं हम या तो पढ़कर ज्ञान प्राप्त करते हैं, विचारों को प्रकट ग्रहण करते हैं, या लिखकर, तो ये कैसा है? लिखित भाषा का उदाहरण है। चिट्ठी पत्र की दुनिया एक क्लास सिक्स में आपको देखने को मिलेगा। यातायात खेल के मैदान में प्रयुक्त चिन्ह या सिंबल, ये सब सांकेतिक भाषा के उदाहरण हैं। ट्वेल्थ क्लास में आपको बिहारी के दोहे में बिहारी सतसई एक संकलन मिलेगा, जिसके रचनाकार हैं डॉक्टर हरिचरण शर्मा। कहत नटत रिझत खिझत मिलत लजियात, भरे भवन में करत है नैनोन ही सब बात, ठीक है। यानी इशारों इशारों में बात कर रहे हैं, सभा में बैठे हैं बाकी लोग, लेकिन प्रेम प्रेम का एक दूसरे की बात को समझ ले रहे हैं इशारों इशारों में। यह कौन सी भाषा है? सांकेतिक भाषा।